हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव लाइफ सिंपली। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी जिसे हम लोग सूजी हांडवा कहते हैं। मुझे नहीं पता इसका सही नाम क्या है, लेकिन हम लोग तो इसे सूजी हांडवा ही कहते हैं। आप इसे सूजी का पैनकेक भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप रवा या फिर सूजी ली है। इसमें मैं नमक और 2 बड़े चम्मच दही डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है और बहुत ही जल्द बन जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसे ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि सूजी फूल जाए। आधे घंटे बाद आप 2 से 2.5 बड़े चम्मच जो बैटर है उसे अलग निकालिए और उसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दीजिए और उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए। अब एक कढ़ाई में 1 से 2 छोटी चम्मच तेल डालिए। तेल के गर्म होते ही राई डालिए, सफ़ेद तिल डाल दीजिए, कड़ी पत्ता डाल दीजिए और बनाया गया बैटर ऐड कर दीजिए। अब इसे ढक करके 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर कुक होने दीजिए। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो हांडवा है वो फूल चुका है और देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। इसे पलट करके 5 मिनट और सेकिए। ये हांडवा बनकर के तैयार है और अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए हांडवा कितने अच्छे से कुक हुआ है। मैं आपको इसे काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी ये अच्छे से पक चुका है। इसे टोमेटो केचप, हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। बैटर के से करीब 4 हांडवे बनकर के तैयार होते हैं। इसके अंदर आप मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर से इसे कटे हुए टमाटर और ककड़ी के साथ सजा करके भी सर्व कर सकते हैं। सिमिलरली मैं बाकी के हांडवे बना लूंगी। इसे आप ब्रेकफास्ट या फिर डिनर या फिर स्नैक्स में बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये है भी, बनाने में भी सिंपल हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए कि इनो फ्रूट सॉल्ट तभी डालिए जब आपका तेल गर्म हो। इसे एकदम एंड में ही डालना है, वरना आपका हांडवा सॉफ्ट नहीं बनेगा और फूलेगा भी नहीं। तो इनो सॉल्ट एंड में ही ऐड कीजिए। इसमें तेल भी बहुत कम लगता है और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। बजाय हम हमेशा पोहे या उपमा खाएं, इसकी जगह हम कभी कभार ये हांडवा भी बना सकते हैं। आप इसे टिफिन में भी रख सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप ये कभी रेसिपी बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। मेरे दूसरे वीडियोज़ को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए लिंक पर क्लिक करें। आप वीडियो पर पहुँच जाएंगे।